अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपसे शेयर करूंगी स्पंज केक की रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो हैं 60 ग्राम बटर, 1/2 मिल्क, 1 कप पाउडर शुगर, 1 कप मैदा, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। सबसे पहले हम बटर को मेल्ट कर लेंगे, मिल्क ऐड करेंगे, बटर बॉयल आने तक हम इसको कुक करेंगे ताकि बटर अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। बबल आना शुरू हो गए हैं, अब हम इसकी आंच बंद कर देंगे। वो अदद अंडे लिए हमने, इसको हम अच्छी तरह मिक्स करेंगे। अब हम थोड़े थोड़े पाउडर शुगर ऐड करते जाएंगे और मिक्स करते जाएंगे। ये अच्छी तरह मिक्स हो गया है, अब हम इसमें साथ साथ मैदा मिक्स करते जाएंगे। बेकिंग पाउडर डालेंगे, अच्छी तरह इसको मिक्स करेंगे। इसको तब तक हमने मिक्स करना है जब तक ये अच्छे से स्मूथ ना हो जाए। अब हम इसमें बटर मिल्क ऐड करेंगे। वन टीस्पून वनीला एसेंस डालेंगे, मिक्स करेंगे। केक मोल्ड के अंदर हम ऑयल लगा देंगे, ऐसे बेकिंग पेपर लगा देंगे। अब हम बैटर को केक मोल्ड के अंदर डाल देंगे। अब हम इसको 180 डिग्री पे ओवन में रख देंगे। ओवन हमने पहले से ही प्री हीट कर लिया था, अब हम इसको ओवन के अंदर रख देंगे और तकरीबन से 45 मिनट में रेडी हो जाएगा। 45 मिनट हो गए हैं, केक हमारा रेडी है। जब ये बिल्कुल साफ आए इसका मतलब है केक रेडी है। अब हम इसको केक बाहर निकालते हैं। ये बहुत ही जबरदस्त है, तैयार हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा तैयार हुआ है, फ्लफी फ्लफी सा। अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।